फोर्थ चैप्टर में से एक ही वर्ष है बस, बद्दकपिलानी थेरी गाथा, इनका नाम है बद्दकपिलानी। शी इज द, आई शुड से शी वाज द वाइफ ऑफ महाकश्यप। स्टोरी पीछे दी हुई है मैंने ब्रीफ में, जैसे बाकी सभी थेरीज की थी इनकी भी स्टोरी लाखों युग पहले से शुरू होती है, जब वो पद्मोत्तर बुद्ध के सामक प्रकट होती है। देन सिंस दैट टाइम शी इज प्रैक्टिसिंग एंड सर्विंग एंड मेनी लाइफ। शी इज बॉर्न एज ए वाइफ ऑफ द पर्सन हु इवेंचुअली बिकेम महाकश्यप। In this life also, she is born in some far-off place, in the town of Sagala. The Hindi wali book is written, Sagala is in Sialkot, so which is in Pakistan now. And then she got married to a person in Magad, Pippali Kumara, Pippali Kumara, unka naam tha. And then they both went to departed the house together and they were very rich people. सब सब कुछ छोड़ छाड़ के भिक्षु बन गए। महाकश्यप तो शीघ्र ही अरहंत हो गए थे, इनको थोड़ा समय लगा। एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ महाप्रजापति गौतमी शी अटेंड फुल ऑर्डिनेशन एंड देन बिकेम अरहंत। एंड आफ्टर बिकमिंग अरहंत शी रिसाइटेड दीज इन प्रेज ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड एंड हर ओन enlightenment. पुत्तो बुद्धस्य दायादो कस्सपो सुसमाहितो पुब्बे निवासम यो वेदी सग्गपायम च पश्यति। ट्रांसलेशन करिए था। पुत्तो बुद्धस्य दायादो, पुत्र बुद्ध के दायादो, दायादो तो शब्द आते हैं ना पूर्व जन्म यो वेदी जो जानते हैं सग पायम च पश्यति। सग मतलब स्वर्ग, अपायन मतलब नर्क, स्वर्ग और नर्क को देख सकते हैं। अथो जातिक्खयं पत्तो अभिन्यवोसितो पुनि एताहि तीहि विज्जाहि ते विज्ज होति ब्राह्मणो। तो जातिक्खयं पत्तो, मतलब यहाँ जाति मतलब बर्थ, क्षय, उसका समाप्ति, पत्तो मतलब प्राप्त कर लिया। ही हैज एंडेड द रीबर्थ, ही हैज एंडेड द रीबर्थ। अभिन्या वो सितो मुनि, वो मुनि जिसकी अभिन्या है, हायर नॉलेजेस परफेक्ट कर ली गई है। एताही तीही विद्या, यहाँ पे इस तीन तरह की, ती मतलब तीन तरह की विद्या है, जो तीन सुपर नॉर्मल अभिज्ञा मानी जाती है ना, ते विद्यो होती ब्राह्मणों, और ये जो ब्राह्मण है वो तीनों विद्याओं को धारण करने वाला है। तथैव भद्या बद्दकपिलानी, अपना उसका नाम बद्दकपिलानी था ना, तो कहते ऐसी ही बद्दकपिलानी है। ते विद्या मच्चुहायनी धारयति अंतिमहं देहं जित्वा मारं सवाहनम्। ते विद्या मच्चु, तीन विद्याएं, तीन विद्याएं उसकी हैं, और मच्चु जाहि मच्चु हायनी मतलब मच्चु मतलब मृत्यु, क्या मार दिया उसने, शी इज किल्ड द डेथ, मतलब शी विल नॉट हैव रीबर्थ अगेन। धारेति अंतिमम देहम, अंतिम देह को धारण कर रही है।
जेतवा मारम सवाहनम जीत के जेत मतलब जीत कर मारम मार को सवाहनम अलॉन्ग विद दिस माउंट जिसको कई बार उसको ट्रांसलेट करते हैं अलॉन्ग विद दिस सेना और सम टाइम अलॉन्ग विद दिस माउंट जो हाथी पे चढ़ के आता है जैसे विश्वा आदि नवम लोके उभो पब्बजिता मयम त्यम त्यम हम क्षीण सावा दंता सीति भूत हम निबुत्ता विश्वा मतलब देखकर आदि नवम खतरा लोके इस संसार में खतरा देखकर कि इस संसार में रहने में खतरा है उभो दोनों के दोनों पब्बजिता प्रवर्जित मयम हुए तो हम दोनों प्रवर्जित हो गए संसार में खतरा जान के तयम खीन आसवा दंत हम लोगों ने आसव समाप्त कर लिए दंत मतलब कंट्रोल किया हुआ मन को सीति भूतम हमारा चित्त जो है शांत हो गया शीतल हो गया है निब्बुता और हम लिबरेट हो गए ये जॉइंट शी इज डिस्क्राइबिंग फर्स्ट हर हस्बैंड बिकॉज ही वाज ग्रेट disciple of the Buddha and then saying कि जैसे उनकी उपलब्धियाँ हैं वैसे मेरी भी उपलब्धियाँ so the first time we heard you know husband and wife and that too Kashyap Mahakashyap से तो इनकी आप स्टोरी अगर पढ़ें कमेंट्री में तो पता नहीं 100,000 युग पहले पदोत्तर बुद्ध के समय समक्ष प्रस्तुत हुई थी वहाँ पे इन्होंने कुछ उनको दान किया उसके फलस्वरूप ये हुआ फिर ये हुआ इतने बुद्धों की कहानियाँ सुना रहे थे एंड इन मैनी ऑफ द टाइम्स शी वॉज बॉर्न एज ए वाइफ ऑफ द सेम पर्सन महाकश्यप के पिछले जन्म में तो इस तरह से पूरा उनका ट्रेस किया हुआ बिकॉज दे आर एबल टू सी देयर पास्ट लाइव्स तो इसलिए वो डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी ग्राफिक है वो भी सॉरी एक ड्रेस थी दोनों के पास एक लाइफ में तो जो भी बाहर जाता था तो वो ड्रेस पहन के जाता वो दूसरे वो है नकुल पिता नहीं वो है ना एक वो जो भगवान बुद्ध के 500 जन्मों में उनके माता पिता थे पिछले जन्म में वो उनका केस आता है जो कि एक ही ड्रेस होती है तो पहले जाते हैं फिर दूसरे आते हैं Because she had done many meritorious deeds, so she was always born very rich. In a, and Mahakashyapa was also born in a, as a king, and so this tarah se kahani hai usme. Is chauthe chapter mein sirf ek hi hai yehi. Ek hi verse, Theri ke 4 verses hai. Next we come to Panchak Kapan Nipato, so this is 5 verses hai. To isme se ek maine diya is baar. अन्यत्र थेरी गाथा अन्यत्र मतलब समदर थेरी जिसका नाम नहीं मालूम है नाम तो उसकी स्टोरी भी नहीं हुई सर नहीं स्टोरी तो है अच्छा कईयों ने अपने नाम नहीं बताया होगा या नाम नहीं पॉपुलर हुआ होगा स्टोरी तो एंड में दी हुई है सिर्फ सबके अधिकतर स्टोरी इसी तरह की है इस तरह की स्टोरी हम एक बार पहले भी सुन चुके हैं आप पढ़ेंगे तो देवनागरी वाले में जो नाम लिखा है करके हिंदी वाले में लिखा हुआ जो इंग्लिश वाला है उसमें नहीं लिखा और जो पाली है उसमें भी अन्य तरह थेरी गाथा लिखा तो उसमें हिंदी वालों ने कहीं से लिख दिया है कहीं से लिया होगा तो उसकी कहानी वो ये पिछले जन्मों में बहुत सारे बुद्धों के समक्ष हुए और इस जन्म में वो महाप्रजापति गौतमी की अटेंडेंट बन गई थी और काफ़ी समय तक उनका सेवा की थी दिस इज मीन बट आर एंसेस्ट्री वॉज नॉट नोन तो इसलिए उन्होंने तो उस समय जब महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बन गई तो वो भी उनके साथ भिक्षुणी बन गए लेकिन 25 साल तक उनको कुछ मन में जो राग का संदेश था लस्ट का था वो बहुत ज़्यादा था तो मन पॉइंटेडनेस हो नहीं हो पाई देन शी हर्ड She cried out and went to the Theri Dhammadinna. Pyadava Dhammadinna is seen as the one of the greatest exponents of Dhamma. तो उसके बाद जाके उसने उनको ध्यान की आलम्बन दिया और फिर वो धीरे धीरे मन शांत हो गया एंड देन शी अटेंड द एनलाइटनमेंट
इसी तरह की एक स्टोरी आपके आगे वो पहले भी थी, यू रीड इट यू विल फाइंड सिमिलर वर्सेस है कि एक क्षण के लिए भी मेरा मन समाहित नहीं हुआ, 25 साल तक मैं ऐसे ही परेशान होती रही, एंड देन वेंट टू हर एंड शी गेव मी टीचिंग एंड आई बिकेम. So just because he, they, she gave her different subject of meditation. Yeah. Panya visati vasani yato pabajita aham. चलो इतने कई ट्रांसलेशन करो साथ साथ, बड़ा आसान एकदम. पन्ना विसाती मतलब 25, वसानी मतलब वर्ष, 25 वर्ष, 25 वर्ष ये तो हो गए हैं. प्रवर्जिता अहम, मैं 25 साल हो गए, मैं भी प्रवर्जित हुए, जब से प्रवर्जित हुई हूँ. नाचर संघाट, संघात मत्तम अपी, मत्तम अपी चित्ता चित्त उपसमा जगम. उपसमा उपसम होता है शांत होना. नच्चारा संघात मतलब है, जैसे दिया हुआ ना ट्रांसलेशन येलो में, स्नैपिंग ऑफ द फिंगर्स, इतना टाइम जैसे है ना, इतने टाइम के लिए भी मेरा मन शांत नहीं हुआ. चित्त उपसमा जगम, मेरा आई कुडंट हैव स्टिलिंग ऑफ द माइंड इवन फॉर दिस मच टाइम. अलहदा चेतसो संतिम, अलहदा मतलब लब्ध नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, चित्त में शांति. ठीक है, चित्त में शांति प्राप्त नहीं हुई, फिर क्या हुआ? काम रागेन वसुता, काम राग के वश में थी मैं, मेरा मन जो था काम राग के कंट्रोल में था, वश में था मेरा मन, एकदम एक क्षण के लिए भी शांत नहीं हो पाया. बाहा पहा गया खदंती, बाह मतलब बाहें, पगाए मतलब फैला के, मैंने चीघा रोया. विहारम पाविसम, और मोनेस्ट्री में एंटर की, बाहें फैला के चीखते चिल्लाते थे. सा भिक्षुनिम उपागच्छिन, उस भिक्षुनी के पास फिर मैं गई. दिस दैट रेफर्स टू द धम्मदिन्ना. जिसके प्रति मेरे में श्रद्धा थी, सामे धम्मा देशेसी, उसने मुझे धम्म देशना दी. खंडा आयतन धातुयो, खंड की शिक्षा, पांच खंडों की, छह आयतनों की और धातुओं की शिक्षा दी. एक्सप्लेनिंग क्या शिक्षा है दी उसको, खंड ब्रह्मा आता है, सतीपट्ठान में धातु भी आती है और आयतन भी आते हैं, तो वो शिक्षा उसने मुझे दी. तस्सा धम्मम सुनित्वा, वो धम्म सुनकर. ठीक है, वेरी सिंपल, हिंदी में बड़ा आसान हो जाता है. एक मन थे एक तरफ उपा विषम में बैठ गई. उपे निवेशाम जानामी, अब मैं जानती हूँ अपने पुराने जन्म भी. दिव्या चक्षु विश्व दिहितम, जो दिव्य चक्षु जो है मेरे, वो पूरी तरह खुद स्पिरिफाई हो चुके, विशुद्ध विशुद्ध हो गए, विशोधितम ना विशुद्ध हो गए, विशुद्ध हो गए. चेतो परिचा न्यानचा, इसका ट्रांसलेशन जो उन्होंने किया, मैं परिचय शब्द का मतलब ये नहीं समझ आया कैसे कर दिया. अगर कमल जी कुछ मालूम हो तो बताइए. चेतो परिचय ज्ञानंच, इसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया कि कंप्लीटली नो द माइंड ऑफ अदर्स. अभी परिचय शब्द ऐसा है नहीं कहीं, मैंने देखा काफ़ी डिक्शनरी में, तो उसने मैंने कहा क्वेश्चन मार्क ला रहे थे. कमल जी को शायद मालूम है, कई शब्द नहीं है डिक्शनरी में इस तरह. अच्छा, उसमें यहाँ संधि हुई है सर. चित्त को चित्त परिचा पर मतलब दूसरों का ज्ञान हो गया, ऐसा मैंने ट्रांसलेशन किया. सिर्फ दिए हुआ ट्रांसलेशन तो मुझे लगा ये किया, बट ग्रामेटिकली कुडंट फिगर आउट किया. ज्ञान से परिचित हो गया,
नहीं ट्रांसलेशन तो क्लियर है, ग्रामेटिकली क्लियर नहीं है शब्द जो है, कोई बात नहीं। तो लेट अस फॉर आंधी कमल जी टू फाइंड आउट। मैंने देखा है सर, याद नहीं आ रहा मुझे। देखिएगा बताइए। सोत धातु विशोधिता, सोत मतलब कान धा, जो डिवाइन ईयर है उसका विशुद्धिकरण हो गया है, मतलब आई कैन हियर एनीथिंग। यद्यपि माँ सच्ची कथा पातों में एक एक लाइन को ना ट्रांसलेट। यद्यपि में सच्ची कथा, सच्ची कथा क्या होता है, रियलाइज साक्षात्कार कर लिया है किसका, यद्यपि इधियाँ जो है जो सुपर नॉर्मल पावर्स हैं मैंने वो रियलाइज कर ली हैं। चल इद्धि और सिद्धि में क्या फर्क, हिंदी में सिद्धि कह दीजिए। अच्छा पाली में सिद्धि नहीं होती, आई डोंट थिंक सो, सिद्धि वर्ड है। सिद्धि वर्ड है, पातों में पत्तो, पाने पत्तो, पत्तो, पत्तो में प्राप्त कर लिया है। आसव खयो, आसव कक्षा प्राप्त हो गया है, हमारे आसव समाप्त हो गए। छ लभिन्या छह तरह की सुपर नॉर्मल नॉलेज सच्ची कत्व मैंने रियलाइज कर ली है। कथम बुद्धस्य शासन, जो भगवान की जो शिक्षा थी मैंने पूरी कर ली है। कथम बुद्धस्य शासन, सर कंप्लीटेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा। यहाँ ये नहीं लिखा कि उन्होंने कोई और ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने तो कहा कि वो नॉर्मल जो वो धातु वाली, हाँ वही ऑब्जेक्ट हुए ना कंटेम्पलेशन के, कि ये खंडों का आयतन का धातु का कंटेम्पलेशन करके आई कुड ओवरकम द सेंसरी, काम राग जो है वो जिसके कारण परेशान रहे वो कम। इट इज अर एग्जल्टेशन ना एट द एंड ऑफ अचीवमेंट ऑफ अरहंत शिप। सो शी इज टेलिंग कि मैंने इनके ऊपर ये जो खंड पे पांच खंडों का अगर आप कंटेम्पलेट इन्वेस्टिगेट करेंगे, छह आयतनों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, धातुओं को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो यू नेचुरली गेट लूजन द अटैचमेंट टू द बॉडी। बेसिकली इट इज अटैचमेंट टू द बॉडी इन अ वेरियस, तो दिस इज अवर थेरी बात है।